बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लगता है जो लोग चाय को प्यार करते हैं, जो लोग भी इंसान है वो चाय को ज़रूर प्यार करते हैं, और जो लोग चाय को प्यार करते हैं वो लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं चाय जैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं डिमांड में हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से भी। देखो भाई क्या है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो सेलेब्स हैं वो लोग बातें बोलते हैं अच्छा लगता है, मगर आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यार कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है। ये अच्छी बात है कि कुछ तो नयापन है, वरना वही लॉन्चिंग वही म्यूज़िक सब एक जैसा ही होता है, तो थोड़ा अलग सा लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी। मन पतंग जो है वो आई थी 2019 में, तो और उसके बाद 2020 में मेरा प्लान था कि मैं किताब निकालूं, तो 2020 पूरा निकल गया लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में देखो क्या है, हर चीज़ पे पहरा लग सकता है, मोहब्बत पे नहीं लग सकता है। बहुत लोगों को लॉकडाउन में प्यार हुआ है, मेरे को लिखने से हुआ है। तो लॉकडाउन का मैंने ये इस्तेमाल किया कि मैं रोज़ एक कविता लिखता था, और 51 कविताएं हुई। 51 दिन मैं बॉम्बे में था, 52वें दिन मैं यूपी चला गया यहां से, तो इसलिए 51 पोइट्रीज है उसमें, और पूरे लॉकडाउन में लिखी गई हैं। मोहब्बत की कविता है, आपकी बात है, मेरे ख्याल से आप पढ़ेंगे पन्ने पे आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जिसमें मैं रहता हूँ, या मैंने उस कमरे की कहानी लिखी है जो मैंने झांक के देखा है। तो कुछ भी ऐसे कोई बेवजह काल्पनिक नहीं है, सब रियल घटनाएं हैं। वो सारी लड़कियां रियल हैं, वो सारे लोग रियल हैं। जिस माँ पे लिखा है वो मेरी माँ है, जिन आम सी लड़कियों पे लिखा है वो सारी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे लोग हैं, उन लोगों पे है, तो रिलेटेबल है काफ़ी। बहुत ज़्यादा। इसमें एक लाइन है कि मैं अक्सर जवाब में चाय बोलता हूँ जब कोई पूछता है कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि चाय मोहब्बत है और कॉफ़ी फैंटेसी। देखो मतलब मैं बोलता रहता हूँ ना कि अंदर दिल टूटने पे लोग कहते हैं कि दिल टूटने पे लोग लिखते हैं, गए मैं कह रहा था हाँ जी, शायद आदमी शायर बोलता है दिल नहीं टूटता है, आदमी के अंदर बहुत कुछ टूटता है। जब भी कोई घटना होती है, कोई दिल्ली में कोई बस से रिलेटेड घटना होती है तो आदमी टूटता है, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तब आदमी टूटता है, तब आम आदमी टूटता है। भाई आया भाई आया, आ जाओ। आप रेडी हो? आई थिंक आज उनके लिए, उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है, उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी, द वेरी ब्यूटिफुली। एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है, सो ऑफकोर्स मैं जाऊँगी, तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना चाय को पसंद करते हैं, या फिर चाय पे कितने मुझे शेयर करना चाहेंगे? मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात करनी चाहिए, बट या ऑफ कोर्स आई थिंक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विद इट, एंड विद दैट नोट वी स्टार्ट आवर डे विद न्यूज़ देखना रेगुलरली। But this is something very amazing. The title itself is Chai Si Mohabbat. So, मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है, मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती उसके बगैर। But yeah, I'm sure, I don't have much, मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, so I will not compare chai and book for sure. But yes, I would like to know more about it. Once I go inside, I'll get to know. बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है, आई एम अ गुड लिसनर। और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, एंड आई लाइक इट। ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर, एंड आई विल शेयर माय व्यूज डेफिनेटली ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट्रीज बहुत अच्छे हैं, सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। मैं क्या बताऊँगी, आई ऑफ कोर्स ही इज़ अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम एंड आई विल सपोर्ट हिम एवरी नाउ एंड देन व्हेनेवर ही नीड्स मी। थैंक यू।
मेरे भाई हैं, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। और चाय सी मोहब्बत एक ऐसी किताब है जिसके पोइट्री, जिसकी पोइट्री जो है वो पहले सुन चुका हूँ, कुछ कुछ गाने भी मैंने कंपोज कर दिए उसके ऊपर। और एंड वेरी वेरी सून आई एम गोना मेक अ फ्यू सॉन्ग्स फ्रॉम दिस, सो स्वीट, फ्रॉम दिस बुक। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इनकी आवाज़ में सुनना पसंद करता हूँ, इनकी आवाज़ के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इनकी आवाज़ में जब वो कविता नरेट करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है सुन के। सर के साथ हम लोग गए थे एक सुनसान जगह पे और सर ने मेरी कविताएं सुनी थी, बोले तुम रिसाइट करो, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए अच्छा मोमेंट। उसी हिम्मत से मैंने दूसरी किताब लिख दी। हम लोग बहुत जल्दी एक रियलिटी शो में आने वाले हैं सर। यस, It's going to be about poetry and music. Big announcement. अभी कविता कितना important रखता है आज के life में? Means है वो बहुत बड़ी बात है कि कविता आज है इनकी वजह से और बहुत सारे अच्छे poets की वजह से, वो बहुत अच्छी बात है। आजकल कविता खत्म हो चुकी है, लेकिन परितोष जैसे हमारे मित्र हैं जो अच्छा लिखते हैं और एक किताब बाहर आती है और बहुत कमाल की पब्लिकेशन कंपनी है। द नेम ऑफ द कंपनी हिंद युग जो कंपनी है वो कमाल की कंपनी है जो पब्लिकेशन उन्होंने की है ये किताब के साथ। सो विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, परितोष के साथ हम काम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे सज्जन हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। मुझे लगता है ये दूसरी किताब है उनकी, और चाय सी, ये मुझे कुछ लगता है कोई नज़में हैं इसमें, चाय सी मोहब्बत। ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई किसी से मिलो तो कहते हैं पहले कि भाई आप चाय पियेंगे हमारे साथ, और वहाँ से कहानी शुरू होती है। मैंने नज़में पढ़ी तो नहीं है, लेकिन बड़ा गुणी इंसान है और मैं चाहता हूँ कि अभी किताब लेकर वो नज़में पढ़ूँ। क्यों, आपने मेरा गाना तो सुना ही होगा, मुझे लगता है आप घुमा फिरा के उस गाने पर आएंगी। चाय से बहुत मोहब्बत है हमें, हमने तो गाना भी बनाया था, एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। चाय से तो बहुत मोहब्बत है, सुबह उठते ही पहला काम हमें चाय चाहिए और उसके बाद फिर हमारे काम से मोहब्बत शुरू हो जाती है। मेरा तो ये काम ही है, मैं कविताओं नज़मों को बहुत पसंद करता हूँ। ऐसे ऐसे कलाकारों के साथ मैंने काम किया है, आनंद बख्शी साहब, समीर अंजान जी, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, मरहूम राहत इंदौरी साहब, ये सब, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुराने पुराने शायर आप हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, शैलेंद्र जी को सुना है, हसरत जयपुरी साहब को सुना है, मजरू साहब को सुना है, शायर साहब को सुना है, कैफी साहब को सुना है, जान निसार अख्तर साहब को सुना है। ये तो पूरी रात हो जाएगी मैं बोलता रहूँगा इनके बारे में, ये महान लोग हैं, इनसे सीखने को मिलता है और तभी कहीं जाकर हमारी तर्ज़ें बनती है। मैं तो ये भी कहता आया हूँ कि जब इंसान तर्ज बनाता है, द ट्यून इज़ ऑलवेज द किंग बट द वर्ड्स आर द क्राउन, ये बोल कमाल हो तो तर्ज में जाना ज़बरदस्त आ जाता है। ऑडियंस को एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप ज़रूर ये किताब चाय से मोहब्बत ये किताब ज़रूर पढ़ें, इसमें परितोष की कुछ दिल की बातें हैं। और अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, आज बहुत बड़ा दिन है, वैक्सीन भी आ चुका है और हम अपने देश को प्रणाम करते हैं। हमने तो बार बार कहा है ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। सबसे ज्यादा इन्होंने झेला है ना कि भाई सुनो ना, चार लाइन लिखी है तो ये यार रुक जा, स्क्रिप्ट याद कर ले। यार मैं क्या कहूंगा, मैं सच कहूं तो मैं बहुत बहुत आए हाय, ऐसे नहीं आओ, अब बात बनेगी आओ, क्यों बुला रहे हो मेरे को अकेले, ये काम तो कर लो, लिखना अकेला हो गया मेरे से नहीं हो पाता है, क्यों, अरे सब कुछ कर लेते हो, हमारे को थोड़ी ना बुला रहे हो तभी। इन्होंने झेला है, इन्होंने खेला है, इन्होंने कहा अभी बाहर कहा कि मैं भिंडी खाया करता था और ये किताब को समेटा करते थे, ये समेटती है इन्होंने,
इन्होंने लिख के सारा रायता फैलाया हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ये बटरी रुक हम समेट रहे हैं और जो ये सब कर रहे हैं उसके साइड में बैठे बैठे मैंने भिंडी आमरस बिना मौसम के आमरस और ये सारी चीजें मैंने खाई है। ये काम आम किया रस नहीं आम रसे आम रसे। इन्होंने इधर दो तीन होटल है आसपास सारे क्या आमरस इनसे पूछना, ऋतिक धंजानी बताएंगे। अच्छी एक्टिंग के अलावा ये आमरस के बारे में बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं। पर अच्छी बात यह कि ये हमेशा थे, ऐसा नहीं कि बोर होकर भाग जाते थे या कि ये क्या काम है। He was there, he was always there. और वैसे और हम दीदी संकेत ये नॉर्मल करते थे लेकिन इसकी पीछे की मतलब इसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें उसमें आपको किताब के पहले पन्ने से यानी कि इसकी पहली किताब के पहले पन्ने से अब जो लिखी जा रही है या इसके बाद जितनी भी लिखी जाएंगी उसकी हर पन्ने पे परितोष झलकता है, उसका एक एक्सपीरियंस झलकता है और हमने इसकी हर कविता के पीछे के एक्सपीरियंस के बारे में जाना है दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा आपको हाँ, पर बताना भी नहीं है हर कविता के पीछे एक एक्सपीरियंस है और मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ है? इसको लिख कैसे डाला ये कैसे तो आपने इनको बताया कि नहीं कि हम यहाँ पे क्यों आए आज? तो मैं बता देती हूँ हम यहाँ पे एक्चुअली तीन चीजें सेलिब्रेट करने के लिए हैं। एक मन पतंग दिल जोर जो इनकी पहली किताब है मन पतंग दिल डोर उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी किताब की सेकेंड एडिशन बाहर आई है तो वे सेलिब्रेटिंग दैट ऑल्सो एंड चाय सी मोहब्बत ऑफकोर्स रिलीज हो चुकी है अमेजोन पे। प्लीज 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 खरीदिए, अब तो दुकानों में भी खरीद दीजिए प्लीज। एंड तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं परितोष का बर्थडे भी जो चला गया और मौका नहीं मिला शायद कहीं मेरी वजह से। बट और 12-15 चीजें हैं बट ये तीन की टॉप है। हाँ, किताब से जुड़ी हर चीज है और सुपर डांसर का अगला सीजन आ रहा है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुपर डांसर का अगला सीजन लेकिन वो पार्टी वो देंगे वो अलग है। ओके ओके वो अलग है। ये क्या बात हुई? हां नहीं नहीं वो अलग है ये बिल्कुल सही बोले। हां ऋतिक धंजानी से रोज मिलना होगा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीदी अब ज्यादा टाइम देंगे हम लोगों को? मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी, मेरे को जितना टाइम देना था मैंने इस किताब के लिए और परितोष के लिए अब उससे पहले भी दे चुकी हूँ। बस अब मैंने बोला है कहीं कि गीता दीदी जो है वो किताब की बुआ है क्योंकि हमको किताब हुई है तो पहले इनकी गोद में आई। हाँ, इन्होंने सारा जो भी होता है उसको पालन पोषण करना, जो लेबर पेन होता है ना उसमें ये साथ थी कि हो जाएगा अगली वाली जो किताब आएगी उसमें जिन किस्सों की मैं बातें कर रहा हूँ उन किस्सों पे कविताओं की कहानियां वो कविताओं की कहानियों पे लिखी जाएगी। किस्से भी होंगे उसमें बिल्कुल। अब मेरा सुनाओगे तो मैं भी आपका बताऊंगा। ये बात तो ही नहीं थी और मैं तो हाँ हाँ मिलाऊंगी। मैंने भी तो कान में बोला था मीडिया के सामने। बट प्लीज खरीदिए चाय सी मोहब्बत अमेजोन पे, ऑलरेडी सोल्ड आउट थी पिछले तीन दिन पहले तक तो फिर हमारी यू नो हमने स्टॉक सारा भर दिया। प्लीज गो अहेड अमेजोन पे खरीदिए चाय सी मोहब्बत मेरे भाई के लिए। मैं बीच में खड़ी हूँ। अरे माँ बाद में करो जो करना है। आप हैं, आप बीच में रहे हमेशा रहे। आप जुहू बीच में रहे यहाँ बीच में रहे आप वहाँ पे रहे क्योंकि बहुत लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। चलिए नहीं नहीं बहुत खुशी की बात है क्योंकि जब दिल डोर उसकी पहली मन दिल डोर मन पतंग दिल डोर मन पतंग दिल डोर तो उस किताब के बाद चाय सी मोहब्बत इतनी जल्दी आ जाएगी मुझे पता नहीं था। उस किताब का कवर मैंने डिज़ाइन किया था तो मैं कवर तो क्या है कहीं पे शूटिंग के बीच में उनके गलियारों में परितोष कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं तो ये किताब का रूप तो कई दिनों से ले रहा था। इसमें लिखी हुई एक भी किताब कविता मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं। ये पूरा उसकी ये रचना है पैंडमिक के दौरान हुई है तो पैंडमिक का सही फ़ायदा उठाया उन्होंने और परितोष ने ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बत की है तो उसका निचोड़ शायद इस किताब में हुआ। नहीं परितोष बहुत गुणी है, बहुत सारे गुण हैं उसके अंदर और उसका श्रेय थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी जाता है जिस परिवार से आता है जहाँ पे क्योंकि उनके बड़े भाई उनकी माँ तो उन्होंने जो साहित्य जो पढ़ा हुआ है बचपन में अज्ञे दिनकर पंत को पढ़कर बड़े हुए हैं तो वो तो उनके अंदर है ही और उसके बाद जब यहाँ पे आए हैं बॉम्बई में तो महानगरी का जो एक उन पर असर पड़ा है तो उनके कविताओं में दिख रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदी में वाकई बहुत कम काम हो रहा है तो जो भी ऐसे में अपना एक शैली बना पाना और कविता पढ़ के लग जाना कि ये पारितोष ने लिखा है ये बहुत बड़ी बात है।
अपना शैली बना पाना वो बहुत कठिन होता है। सो बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, ऐसी और किताबें लिखें। बहुत, चाय से तो मोहब्बत है ही है, और चाय के चाय पे बहुत कुछ हो जाता है, मोहब्बत हो जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं। सो बहुत अच्छा टाइटल है। और ये हुआ ऐसे कि पहली वाली जो किताब का जो कवर है वो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने चाय की कप रखी थी पारितोष के बगल में, शायद वहीं से इसका टाइटल आ गया। चाय पे तो कितना कुछ हो जाता है, चाय पे अभी क्या कहूँ, मतलब हम शायद इस किताब के साथ चाय का संदर्भ इसलिए भी हूँ क्योंकि अधिकतर हमारी जो बातें होती हैं शूटिंग के दौरान वो चाय ब्रेक के दौरान होती है। चाय ब्रेक के दौरान ही पारितोष अपनी रचनाएं सुनाते हैं, मैं टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं कुछ सुनाता हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से। नहीं, बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष को, और वो ऐसे ही लिखते रहें, और बस वही कहना चाहूँगा क्योंकि वो ये जो ये ज़िंदगी में कभी कभी ये फेज़ आता है कि आप जब लिखते चले जाएं आपके अंदर रचनाएं आती रहती है, ये फेज़ फिर चला फेज़ होता है। अभी पारितोष बहुत क्रिएटिव फेज़ से गुजर रहा है, मुझे लगता है उसको ये रुकना नहीं चाहिए और उसको और लिखते रहना चाहिए। सबसे पहले तो बधाई है पारितोष भाई को, और मेरे साथ इस किताब के प्रकाशक शैलेश भारतवासी जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं खुद एक हिंदी का लेखक हूँ। तो चाय से मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि आप समझिए कि पारितोष ने एक सिनेमा के मैदान में भी जिस तरह से साहित्य की चाय की कप रखी है, और जिस तरह से गर्म चाय रखी है जो कभी ना ठंडी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है पारितोष जी को। और एक सीने कलाकार, एक टीवी कलाकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य के लिए इतने ऊर्जा और इतनी मतलब कि जोश के साथ लिखना और पाठकों तक पहुंचना, मुझे लगता है एक नया सोपान खुला है पारितोष के लिए। तो बहुत बहुत बधाई है पारितोष जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि चाय से मोहब्बत हर पाठक के मेज तक पहुँचे। मैं यही बोलूँगा कि देखिए बहुत कम ऐसे मतलब मनोरंजन उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कि अभिनेता भी हों और मतलब लेखक होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के लेखक होते हैं या मतलब उसी के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कि जो साहित्यिक लेखन कर रहा हो। तो पारितोष ने बहुत छोटी उम्र में और 2 साल के भीतर 2 कविता संग्रह लिखा, और ऐसा ही नहीं लिखा, लोगों के बीच खूब मशहूर हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं उनको। तो पारितोष बधाई के काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पारितोष की ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी और हम सबको पढ़ने को मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू। चाय सी मोहब्बत बुक से ज़्यादा हम लोग राइटर को जानते हैं, और पारितोष को बहुत साल से 10 साल से हम लोग जब से बॉम्बे आए तब से 10 ज़्यादा हम लोग जानते हैं, और बहुत अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा एक्टर है। और किताब मिली है, अभी पूरी पढ़े नहीं हम, लेकिन उसकी पहले वाली किताब हम पढ़े थे, बहुत अच्छी लगी थी। और उसके बारे में क्या बोले, सब जानते हैं, बहुत अच्छा राइटर है, और ऑल द बेस्ट टू हिम। मैं कुछ कहना चाहूँगी, पारितोष बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन लिखता जो है वो दिल से लिखता है, और बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत कुछ कन्वे कर देता है, और वही ब्यूटी होता है लिखने की, जो ब्यूटी है वो यही है कि आप बहुत ही सिंपल मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करके बहुत लच्छेदार भाषा में ना लिखें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ आम भाषा और आम जिंदगी के चीज़ों को जोड़ते हुए बहुत ही अच्छा लिखता है। और वही मेरे ख्याल से, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारी कॉपी आ गई है, लेकिन जैसे कि उसने कहा है चाय सी मोहब्बत, तो बड़े ही मोहब्बत और प्यार से हम चाय की चुस्की लेके उसको पढ़ना चाहेंगे। सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा, सर लुक सेंटा।
ऐसा है ना, पता नहीं किसी पारितोष त्रिपाठी ने किताब लिखी है, मैं चाहता हूँ ना आप अगर इसके, अच्छा आप वही तो हैं, यही तो आदमी, बताइए मैं कुछ दो शब्द हो जाए बस। थैंक यू सो मच, मतलब इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है मुझे, फिर मुझे लगता है मैं अच्छा लिखता हूँ। ये दोनों किताबें जो है वो दोनों मेरी आंखें हैं और ये दोनों आंखें आज भरने वाली है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने लोग आए हैं। और अक्सर मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ मीडिया में कि सिनेमा और टीवी के लोग जो हैं वो सिर्फ ग्लैमर के लिए जाते हैं, साहित्य से दूर हो रहे हैं। ये देखिए जितने लोग आए हैं सब लोग साहित्य के लिए आए हैं, हिंदी के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये भीड़ नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, भीड़ तो सिर्फ रैलियों में जुटती है ना, अच्छे लोग साहित्य के लिए आए हैं। दादा साहब मुस्कुरा रहे हैं, पीयूष दादा आए हैं, तो तमाम लोग आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और मार्च का महीना शुरू हो गया है तो एक शेर इसी पे गर्मा गर्म कि मिलने जुलने का सिलसिला हर महीने बरकरार रखना, मिलने जुलने का सिलसिला हर महीने बरकरार रखना, दिल कोई सरकारी दफ्तर नहीं कि माह मार्च में क्लोज हो जाए। और एक पीयूष दादा, दादा ये एक शेर कि जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, कहता है स्कूटर पे अमृता इमरोज के साथ साहिर भी बैठा है। तो ये जो किताब है ये उस अमृता को समर्पित है जो हिम्मत दिखाती है इमरोज की पीठ पे साहिर लिखने की, जो अलग अलग जगह पे बदले हुए नाम के साथ मिलती है, जैसे इमरोज और साहिर बदले हुए नाम के साथ मिलते हैं। तो एक शेर है कि सिनेमा इंडस्ट्री पे अनुराग सर बहुत मीनिंगफुल सिनेमा बनाते हैं और कमर्शियल वैल्यू भी अच्छी होती है। तो एक शेर है कि तुम कमर्शियल स्क्रिप्ट हो, मैं हूं आर्ट सिनेमा का हीरो, तुम कमर्शियल स्क्रिप्ट हो, मैं हूं आर्ट सिनेमा का हीरो, ये रिश्तों का बॉक्स ऑफिस समझ नहीं पाएगा हमें। बाकी और कविताएं सुनाएंगे, बहुत लोग हैं बोलने वाले, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, वो लोग सुनाए, इसके बाद में कोई कविता सुनाऊंगा। तमाम लोग हैं, निलोत्तम भैया हैं, तीन लोग हैं जो जिनकी वजह से मैं बिगड़ा हूँ, वो हैं दिव्य प्रकाश भैया, निलोत्तम मृणाल भैया और शैलेश जी। इन दोनों की किताब आ गई और एक एक लाख बिक गई। नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है, हिंदी में इतनी किताबें बिक रही हैं और टैलेंटेड कहीं के, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम भी बिकाऊ हो जाओगे एक दिन, चिंता ना करो। आज सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल दोनों एक साथ मिल रहा है, ऐसा सिर्फ साहित्य में और थिएटर में ये ताकत है जो दोनों को मिला सके, वरना ये दोनों लोग मिलते नहीं है। जूही में मैं अकेली आई, भाभी नहीं आई, पता चला लड़ मरते एक एपिसोड नया। सावधान रहे क्योंकि पेट्रोल जो है वो क्राइम कर रहा है। एक बहुत कतरंगी है, कुछ एक पोइट्री है, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। ये है पीछे के पीछे, मतलब जैसे किताब के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इन लोगों ने बिगाड़ दिया, दादा जो है मामा जी में बहुत ज्यादा रिस्पांस एक दिन दे दिए, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा बोल दिया क्या, तो मैंने आके घर पे लिख लिया। तो ऐसे करके हिम्मत आई, अनूप सर बोलते हैं कि तुम कुछ भी करते हो मुझे अच्छा लगता है, सुशांत सर जो है वो मतलब सिर्फ 22 मैसेज में आ गए। पीयूष दादा जो है उनकी मिमिक्री कर करके मैं घर ले रहा हूँ अब। अचानक याद है उनको, तू है साले, तू है।
तो ये जो है हर चीज की बैक स्टोरी होती है, ये कविता है पीछे के पीछे कि कोई चीज होती है उसके पीछे क्या कहानी है, तो मैं ये सुनाता हूं आप लोगों को। पीछे के पीछे कमजोर लोग रहते हैं मजबूत तालों के पीछे, कमजोर लोग रहते हैं मजबूत तालों के पीछे, जाने कितनी अंधेरी रातें मरती हैं इन उजालों के पीछे। कभी दौलत की बरसात हुई थी इन कंगालों के पीछे, शोहरत की कहानियां छुपी हैं पांव के छालों के पीछे, बेगुनाह ही मारे जाते हैं हर बार इन बवालों के पीछे, और उंगलियां लहूलुहान होती हैं उसूल वाले ढालों के पीछे। और शेर है कि इमारतें नहीं घोंसले रहने दो, इमारतें नहीं घोंसले रहने दो पेड़ों की डालों के पीछे, तुम्हारी नहीं किसानों की मेहरबानी है इन निवालों के पीछे, और कम से कम रूह तो असली रहने देते इन नकली खालों के पीछे। थैंक यू सो मच। आगे तक आप कंटिन्यू करें, कवियों की दिक्कत है, बहुत बोलते हैं। अपनी बातों से आंखों को बहा गया ये बता पा रही तो इस तरह बाकी का लव यू टू ऑल राइट। तो हिंदी साहित्य में आज हमने कुछ एवी बनाया है, एवी प्रिपेयर्ड है क्या भाई साहब, कैन यू प्ले दैट? सो चाय सी मोहब्बत जो आज हम तुम्हारा कैसे है? नहीं मैंने सुधारा नहीं है, मैं चाहती हूँ वो बिगड़ा हुआ मैं चाहती हूँ कि बिगड़ा हुआ रहे केतन, क्योंकि जितना वो बिगड़ता है उतना अच्छा लिखता है, और सारी उसकी जो हरकतें हैं वो दिल से लिखता है, तो बिगड़ा हुआ रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है, जो हमारे साथ नहीं हो रहा उसके साथ हो रहे केतन, लेट्स गो। थैंक यू, दैट्स इट। परितोष कांग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू, और किताबों के लिए और प्यार और दुलार, और अगर मैं आई गई हूँ तो थोड़ा सा प्यार, एक बहुत बड़ा हक देना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज फ्रॉम माई माई की तरफ से बहुत बहुत प्यारा। वो ना होती तो आप ना होते, आप आई नो जब भी लिखते हो तो उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए लिखते हो, क्योंकि इनकी मम्मी जो है सब पढ़ती, और अगर वो पढ़ सकती हूँ तो सब पढ़ सकते हैं, तो ध्यान में हमेशा यही लिखा जाता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और लोगों में प्यार बांटने के लिए, गॉड ब्लेस। तो फिर लेट द म्यूजिक प्ले। अरे म्यूजिक चले राइटर एक्टर और पोएट है, और ये आई थिंक पहली किताब में तो आदमी ऐसा कहता है कि अरे एक किताब लिख ली चलो कोई नहीं, अब दूसरी आई है तो ये प्रूव हो ही गया कि अच्छे राइटर है। तो आई थिंक परितोष बहुत टैलेंटेड है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ ऑप्टिमिस्टिक के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी शोज़ करें हमारे लिए, और हम परितोष को यही कहेंगे कि हर साल ऐसे ही किताबें निकालिए, ऐसे ही पार्टी दीजिए और हमें बुलाते रहिए।
परितोष आई थिंक इज अ फैमिली टू ऑप्टिमिस्टिक्स. हमने उसके साथ बहुत काम किया है एज एन एक्टर, एज अ पोएट, एज अ पर्सन ही इज ब्रिलियंट. एंड विद द सेकेंड बुक आई थिंक ही वो इतना काबिल है कि वो कर दिखाया उसने कि भाई राइट पोएट हूँ, राइटर हूँ, और ये जज्बा है मेरा और मैं इसको कंटिन्यू करते रहूँगा. एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशन टू हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड द टीम एंटायरली, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू.